you awesomely blossomy people out there, welcome back to my channel. My name is Nirupama and I hope you all are doing great. Well, in today's video, I'm going to talk about something which you people have been asking me like so many times. So many of you have asked me this question. Kya cabin crew ko toilet saaf karna padta hai? To iska answer hai, ji haan, you have to clean the washroom, you have to service the washroom. So the term what we use in एविएशन इंडस्ट्री इट इज सर्विस द वॉशरूम. सो उन लोगों ने मुझे क्वेश्चन पूछा है जो कैबिन क्रू बनना चाहते हैं. सो उन्होंने ये चीज़ें सुनी है बिकॉज हम सुनते बहुत चीज़ें हैं ना. सो डाउट आते हैं, फिर जब हम कोई चीज़ सुनते हैं किसी से तो हमारे दिमाग में डाउट आते हैं, फिर हम डाउट क्लियर करना चाहते हैं. तो आपका डाउट क्लियर करने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ. जैसे मैंने आपको बताया कि हमें सर्विस करना पड़ता है वॉशरूम, एंड आई एम गोइंग टू टेल यू एग्जैक्टली वॉट वी आर सपोज टू डू, बिकॉज आई डोंट नो वेन यू हियर क्लीन द वॉशरूम क्या आपके दिमाग में क्या क्या बातें आती हैं. सो अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए. नाउ देयर आर टू सिचुएशंस, ओके. फर्स्ट वन इज व्हेन द एयरक्राफ्ट इज ऑन ग्राउंड एंड द सेकंड वन इज व्हेन द एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट इन एयर. जब एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड है तो वहां पर आपके पास मैन पावर भी है, ग्राउंड स्टाफ भी है, तो आपके पास क्लीनिंग स्टाफ भी है. तो लेट्स से अगर वॉशरूम्स गंदे हैं तो ऑन ग्राउंड है एयरक्राफ्ट, तब तो क्लीनिंग स्टाफ ही आके वॉशरूम को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से सर्विस करता है, क्लीन करता है, ठीक है. लेट्स से बोर्डिंग इज गोइंग ऑन, किसी ने प्यूक कर दिया या वॉशरूम बहुत गंदा हो गया, तो ऑन ग्राउंड आप क्लीनिंग स्टाफ को बुला सकते हैं एंड आप उनको बोल सकते हैं कि सर प्लीज आप सर्विस कर दीजिए वॉशरूम, ठीक है. एंड येस वी एड्रेस देम ऑल्सो एज सर, बिकॉज वो भी इंसान हैं और वो जो काम कर रहे हैं वो बहुत ज़रूरी है. अगर वो क्लीन नहीं करेंगे वॉशरूम तो सर शायद आपकी फ्लाइट में नेक्स्ट टाइम कोई ट्रैवल करना पसंद भी नहीं करेगा, क्योंकि हाइजीन स्टैंडर्ड आपने मेंटेन नहीं कर रखे हैं. सो प्लीज़ रिस्पेक्ट पीपल एज अ ह्यूमन बींग, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ वॉट दे डू. एंड कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है. सो दैट इज़ वन थिंग. नाउ व्हेन द एयरक्राफ्ट इज इन फ्लाइट, सो ये आपकी जिम्मेदारी बन जाती है. अब क्या होता है कि कैबिन क्रू बहुत और चीज़ें भी करते हैं अपार्ट फ्रॉम सर्विंग और क्लीनिंग द वॉशरूम, पर लोगों को ना ही उसकी जानकारी है ना ही वो जानना चाहते हैं. उनके लिए या तो हम वेट्रेसेस हैं या तो हम क्लीनर्स हैं, विच इज कम्प्लीटली ओके फॉर मी. आई रियली डोंट केयर व्हाट पीपल थिंक, बिकॉज मुझे पता है कि मैं किस इंटेंशन से अपना काम करती हूँ. सो रियली डजंट मैटर. नाउ इफ यू थिंक लॉजिकली, अगर वॉशरूम गंदा है, क्लीनर तो है नहीं, तो कौन साफ करेगा? विल यू आस्क द पैसेंजर, आपने वॉशरूम यूज किया है, गो एंड क्लीन द वॉशरूम, तभी बाहर आना वरना मैं बैठने दूंगी तुमको तुम्हारी सीट पे. कैन यू डू दैट? सो यू हैव टू जस्ट यू नो, अगर आप इस तरीके से सोचें कि ये मेरा घर है और मेरे घर में कोई गेस्ट आया है, तो मैं अपने गेस्ट को तो नहीं बोलूंगी वॉशरूम साफ करो, मैं खुद ही उस चीज का ध्यान रखूंगी, राइट. व्हेनेवर समबडी कम्स टू योर हाउस, यू मेक श्योर कि घर अच्छे तरीके से साफ सुथरा हो, ठीक है, आपके वॉशरूम भी साफ हो, किचन भी साफ हो. आप स्पेशली, मम्मी बोलती है ना कि सामान लेके आओ, कि अच्छे कोल्ड ड्रिंक लेके आओ या बिस्किट लेके आओ, जो भी चीजें हैं, स्पेशली पकवान बनते हैं क्योंकि आपके घर में गेस्ट आ रहे हैं. अब यहीं पे अगर इन फ्लाइट मैंने सेम चीज करा तो मैं क्लीनर या वेटर कैसे बन गई, मैं किसी की नौकर कैसे बन गई? दैट रियली डजंट मेक एनी सेंस टू मी. सी द एयरलाइन इंडस्ट्री वर्क्स, द हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री इज ऑल टुगेदर अ डिफरेंट बॉल गेम. आई डोंट नो हाउ पीपल दे थिंक इट, बट फॉर अस इट इज लाइक दे नेवर से कि उन्हें कस्टमर बुलाइए या उनको पैसेंजर बुलाइए. हमें हमेशा सिखाया जाता है कॉल देम, एड्रेस देम एज गेस्ट, डोंट कॉल देम पैसेंजर और कस्टमर, बिकॉज वो हमारे गेस्ट हैं. यू आर देयर टू मेक श्योर दे हैव अ कम्फर्टेबल जर्नी. अब नाउ यू टेल मी, कोई इंसान है, ठीक है, कोई बुजुर्ग इंसान है जो शायद अपनी जिंदगी में पहली बार ट्रैवल कर रहा है फ्लाइट में, उन्हें नहीं पता है कि फ्लश का बटन कहाँ है, ओके. दे डोंट नो, समटाइम पीपल दे डोंट इवन नो वेयर टू पी, समटाइम पीपल दे पी ऑन ग्राउंड, क्योंकि वो छोटी जगहों से आए हैं और उन्होंने शायद इतने हाईटेक वॉशरूम्स नहीं देखे हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आता है. समटाइम पीपल दे डोंट नो हाउ टू यूज द फॉसेट, समटाइम पीपल डोंट नो कि ओके द वॉटर विच हैज कलेक्टेड इन द सिंक उसे ड्रेन आउट कैसे करना है. तो इस बेसिस पे आप मुझे ये उम्मीद करो कि मैं उन्हें जज करूंगी, मैं उनकी मदद नहीं करूंगी, और अगर मैं उनकी मदद करती हूँ तो मैं एक क्लीनर बन जाती हूँ और वो एक गलत काम है, तो आई डोंट नो. ओके, सो दैट इज द माइंड सेट विच पीपल हैव एंड दैट्स देयर माइंड सेट, आई कांट डू मच अबाउट इट. नाउ आई हैव मेड अ नोट ऑफ इट कि हम लोगों को एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती हैं. ऑन ग्राउंड मैंने आपको बता दिया कि वो क्लीनर का काम होता है, हम क्लीनर को बुलाते हैं, वो अच्छे से उसकी सफाई करते हैं, ठीक है. नाउ व्हेन वी आर इन फ्लाइट इन एयर, इन द एयरक्राफ्ट इज इन एयर, सो उस टाइम हमारी जिम्मेदारी हो जाती है. सो हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है?
सबसे मेन चीज होती है हाइजीन स्टैंडर्ड मेंटेन करना. उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपके वॉशरूम क्लीन होने चाहिए. सो हमें क्या क्या चीजें का ध्यान रखना पड़ता है. फर्स्ट थिंग, वी हैव टू मेक श्योर दैट देयर इज सफिशिएंट स्टॉक ऑफ टॉयलेटरीज इनसाइड द वॉशरूम. इफ आई टॉक अबाउट टॉयलेट रोल्स, फेशियल टिश्यूज, सोप, that soap dispenser, hand wash, if I talk about all these things, ये सब चीजें होनी चाहिए. अब let's say अगर washroom में आपका tissue roll खत्म हो गया है या आपका tissue paper खत्म हो गया है, तो उसके वो अगर खत्म हो गया है तो कौन replenish करेगा? पैसेंजर को तो पता नहीं कि एक्स्ट्रा स्टॉक कहाँ पे रखा हुआ है. देन इट बिकम्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो आई डू दैट. अनदर थिंग इज क्लीनिंग द मिरर विच इज देयर इन द वॉशरूम. दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. इमेजिन, मम्मी कितनी बार बोलती है मैं अपना कम से कम मुंह तो साफ करने से पहले शीशा तो साफ कर लो. इमेजिन आपके टॉयलेटरी का, आपकी लेवेटरी का शीशा गंदा है तो पैसेंजर के दिमाग में क्या माइंड सेट आएगा? यू नो, सो यू हैव टू मेक श्योर कि दैट इज क्लीन. जो हमारी सर्विस रूल बुक होती है उसके अनुसार In economy, after every 3 guests, you are supposed to service the washroom. You are supposed to check ki, okay, sufficient stock hai ki nahi hai, ya koi tissue paper hai, to usse dustbin mein daalo. Because sometimes people, they don't know where is the dustbin. There is a dustbin ki wo is a flap jaisa hota hai. Achha, ye dustbin hai, yahan pe fekna. Unhe samajh mein nahi aata, toh ground pe, matlab on the floor, they'll throw it and they'll go out. Because they don't know. Then, जो पीसी है फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास होता है, वहां पे आपको हर एक गेस्ट, मतलब आफ्टर एवरी गेस्ट, यू आर सपोज टू सर्विस द वॉशरूम. बिकॉज दैट पर्सन इज पेइंग साइड एट मच, तो उसको तो चाहिए ना कि क्लीन होना चाहिए वॉशरूम जब भी वो जाए वॉशरूम के अंदर. तो ये छोटी छोटी चीजों का आप ध्यान रखते हो, ठीक है? सो नाउ यू मीन टू से यू विल पिक अप दोज डर्टी टिश्यू पेपर विद योर हैंड्स एंड विल पुट इट इन द वेस्ट बिन? नो, दैट्स नॉट गोना हैपन. फॉर दैट वी हैव सम इक्विपमेंट्स लाइक देयर आर ग्लव्स, ठीक है? सो वी वेयर दोज ग्लव्स एंड वी पिक इट अप एंड वी थ्रो इट एंड देन ऑफ कोर्स दोज ग्लव्स आल्सो इनटू द वेस्ट बिन. ओके, सो ऐसा नहीं कि हाथ से आप चीजें कर रहे हो. So it's not like that. Also, we have those air fresheners. So, you know, of course, when people will use, so many people will use, so it will stink. So that we have air fresheners. So you spray that also once you service the washroom. Also, we got the toilet seat covers. So you place in on top of it. Not with the bare hands. You will wear those gloves and you will put it on top of it. And then you close it for the next guest to come and use it. सो ना सिंक में होता है, ड्रेन स्टॉपर होता है, सो अलॉट ऑफ देन इन क्लोज पोजिशन. सो पीपल वॉश देयर हैंड्स, वॉश देयर फेस, वाटर इज कलेक्टेड, दे गो आउट, दे डोंट नो हाउ टू यू नो ड्रेन आउट द वाटर. वो स्टॉपर कैसे हटाना है, क्या करना है? सो एंड अदर पर्सन वॉक्स इन टू द वॉशरूम अगैन, दे लाइक ओ दिस इज सो फिल्थी, दिस लुक्स सो डर्टी, हाउ कैन आई यूज द वॉशरूम? देन दे ही आस्क यू टू डू दैट, यू नो. सो बिफोर द पर्सन टेल्स यू, यू गो एंड चेक कि ऐसा कुछ है तो नहीं. यू जस्ट हैव टू पुल दैट थिंग एंड stopper will open and automatically the water will drain out from the sink. So these are the things which you only know, people don't know, because it's all together a different space. So ye cheeze aapko sikhai jati hain, aapko pata hoti hain, isliye aap karte ho. So simple, there are mops, okay? Aisa nahi koi kehta aapko ki haath se aapko safai karni hai, aisa kuch nahi hai. You have proper equipments given. Yes, it is disgusting at times. Aisa nahi ki main bahut acha lagta hai, bahut khushi milti hai washroom service karne ki, but it is part of the job and you should never look down upon on any work, whatever you do. काम काम होता है, ठीक है? काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता है, वो बस लोगों की सोच होती है और उसको आपको नजरअंदाज करनी चाहिए, ठीक है? Why I'm making this video and why I'm clarifying it, I'm just doing it for all those who want to become a cabin crew, who aspire to become a cabin crew. I'm just making this video for all those people जिनकी एक सोच है कि यू नो कैबिन क्रू तो बस कुछ नहीं, ऐसे सज धज के आ जाती है, वॉशरूम साफ करती है. उन लोगों से मुझे कुछ कहना नहीं है, ना कुछ लेना देना है. और ना मैं चाहती हूँ ये वीडियो देखें, बिकॉज जो वो सोच है वो कभी नहीं बदल सकती है. सो आई होप थोड़ी आपको क्लैरिटी मिली हो कि एग्जैक्टली यू नो ये चीज़ें कैसी होती. सी, अगर आप इस अगेन आल से यू नो किस सोच के साथ आप काम कर रहे हो, वो बहुत मैटर करता है. सो आप जिस तरीके से, एंड ऑल्सो अगर आपका मन है, एक रियालिटी है एक जॉब का कि ये इट इज पार्ट ऑफ द जॉब. कोई भी जॉब ऐसा नहीं होता, नो जॉब इज लाइक अ केक वॉक, नो जॉब इज लाइक अ केक वॉक. अगर आप सोच रहे हो कि सब अच्छा अच्छा होगा, ऐसा कुछ नहीं है. हर जॉब में आपको कोई ना कोई ऐसी चीज लगेगी जो आपको लगेगा कि मैं व्हाई एम आई इवन डूइंग इट. बट डिमीनिंग योर जॉब, डिमीनिंग अ प्रोफेशन, इट इज रियली रॉन्ग, ठीक है? सो अगेन इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी विच यू कांट चेंज. बट आई होप आपको इस वीडियो के जरिए थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी, समझ में आया होगा कि एग्जैक्टली क्या जॉब होता है कैबिन क्रू का. Also understand there are a lot of guests with medical conditions like diabetes, and unke liye to they frequently use the washroom because that is how things are with them. Pregnant lady, for them also it's like frequently they have to use the washroom.
लेडीज ट्रैवलिंग विद एन इन्फेंट जिनके डायपर चेंज करने हो उसके लिए प्रॉपर एक स्टैंड भी होता है, उनको नहीं पता होता हाउ टू ऑपरेट दिस थिंग, यू गो एंड यू हेल्प देम आउट, यू हेल्प, यू आस्क देम फॉर असिस्टेंस कि मैम आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प करती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ ट्रैवल करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप मुझे कह रहे हैं किसी की मदद करना इज रॉन्ग एंड ये आपका प्रोफेशन बहुत गंदा है, बहुत डिमेनिंग है, तो भैया मैं कुछ नहीं कह सकती आपको, ये आपकी सोच है, फिर से इट इज ऑल योर मेंटालिटी एंड आई रियली डोंट केयर अबाउट इट। सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो, आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पॉइंट एंड या आई होप यू लाइक द वीडियो, आई होप यू हैव लर्नड समथिंग आउट ऑफ इट एंड या इफ यू लाइक द वीडियो मेक श्योर यू गिव इट अ बिग थम्स अप, सब्सक्राइब टू माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन नेक्स्ट टू सब्सक्राइब बटन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड नेक्स्ट टाइम आई अपलोड अ वीडियो एंड या दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई होप टू सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर।